गीत नया गाता हूँ टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणिमा की वे एक पाका गीत नया गाता। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के 5 दशकों के वो युग पुरुष जिन्होंने हर राजनीतिक दल के दिलों में हमेशा राज किया, उनका जाना भारतीय राजनीति के लिए एक बड़े सदमे की तरह है। साल 2005 से राजनीति से संन्यास लेने वाले अटल बिहारी वाजपेयी काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी के कई अंग काम नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उनका निधन हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे राजनेता थे जिनकी कार्यशैली देश के लिए एक विरासत के रूप में मौजूद है। आइए एक नजर डालते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन पर। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्णा देवी था। अटल बिहारी वाजपेयी के पिता गांव के स्कूल में स्कूल मास्टर और एक महान कवि थे, जिसके साथ साथ इनके पिता सत्यवादी, ईमानदार और आदर्शवादी अनुशासित व्यक्ति थे, जिसके चलते अटल बिहारी वाजपेयी को ये सभी गुण विरासत में मिले। अटल बिहारी वाजपेयी बचपन से ही प्रखर बुद्धि के बालक थे। इनके माता पिता इनसे बेहद प्रेम करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रारंभिक शिक्षा गोरखी विद्यालय में हुई, जिसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से की। अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय में बीए किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे भी अपनी शिक्षा जारी रखी और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कानपुर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से की। पॉलिटिकल साइंस में एमए किया और परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। छात्र जीवन के दौरान ही अटल बिहारी वाजपेयी पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी रुचि रखते थे। साल 1939 का वो वक्त था जब एक स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने आरएसएस की सदस्यता ले ली और फिर राष्ट्रीय स्तर के वाद विवाद प्रतियोगिताओं में वो हिस्सा लेने लगे। इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने एलएलबी की पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया और पूरी निष्ठा के साथ आरएसएस की सेवा में जुट गए। इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का पाठ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मिला और फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक निर्देशन में वो आगे बढ़ते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी दौरान पांचजन्य, दैनिक स्वदेश, वीर अर्जुन और राष्ट्रधर्म जैसी पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी बखूबी किया। इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी अपने जीवन में क्या करना है ये पूरी तरह से पक्का कर चुके थे और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित महान कृति विजय पताका ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने आजादी की लड़ाई में बखूबी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। साल 1942 का वक्त था जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो भी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े और अन्य नेताओं के साथ जेल भी गए। यहीं से उन्हें अपना राजनीतिक गुरु प्राप्त हुआ। जी हाँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से उन्होंने राजनीति का कहना सीखा। अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत आजादी की लड़ाई के दौरान ही शुरू हो गई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में पत्रकारिता छोड़कर साल 1951 में वो भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए और फिर साल 1955 में पहली बार लोकसभा के रणक्षेत्र में उतरे। हालांकि पहली बार जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ने उतरे तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अटल बिहारी वो शख्सियत थे जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। साल 1957 में उन्होंने एक बार फिर भाग्य आजमाया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बलरामपुर लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और इस बार विजय ने उनके कदमों को चूमा। जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में वो संसद पहुंच गए और इस तरह लगातार 20 साल यानी साल 1957 से लेकर साल 1977 तक
जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। इसी दौरान मोरारजी देसाई की सरकार में साल 1970 से साल 1979 तक वो विदेश मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी कार्यशैली के दम पर ही विदेशों में भी भारत की एक अलग पहचान बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी लीक से हटकर चलने वाले नेता थे। जनता पार्टी की स्थापना के बाद साल 1980 में वो जनता पार्टी के विचारों से असंतुष्ट होने लगे और फिर जनता पार्टी को छोड़ दिया। ये वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी का उद्भव होना था। इसके बाद बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई और 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गए। हालांकि इस वक्त कांग्रेस का राज था और कांग्रेस को टक्कर देना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन लगातार बीजेपी के लिए काम करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाया। और एक दिन वो दिन भी आया जब पहली बार 1996 में बीजेपी की सरकार बनी। हालांकि ये सरकार सिर्फ 13 दिन तक ही टिक पाई। आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए, दूसरी लोकसभा से 13वीं लोकसभा तक। बीच में कुछ लोकसभाओं से भले ही उनकी अनुपस्थिति रही, खासतौर से 1984 में जब वो ग्वालियर में कांग्रेस के माधवराज सिंधिया के हाथों पराजित हो गए। 1962 से 1967 और 1986 में वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 16 मई 1996 वो दिन था जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन लोकसभा में बहुमत साबित न कर पाने की वजह से 31 मई 1996 को उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। इसके बाद 1998 तक वो लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे। साल 1998 के आम चुनाव में सहयोगी पार्टियों के साथ उन्होंने लोकसभा में अपने गठबंधन का बहुमत साबित किया और इस तरह एक बार फिर प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन इसी बीच सोनिया गांधी और जयललिता की चाय पार्टी के बाद AIADMK द्वारा गठबंधन से उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद मात्र एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई और फिर आम चुनाव हुए। 1999 में हुए आम चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के साझा घोषणा पत्र पर लड़े गए चुनाव में वाजपेयी को जीत हासिल हुई। गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ और वाजपेयी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल ली। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन 2004 के आम चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जीत हासिल नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इस दौरान भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। अटल सरकार ने अपने कुशल नेतृत्व के दम पर संयुक्त राष्ट्र की शर्तों को पूरा करते हुए 11 मई 13 मई को संपूर्ण विश्व को चौंका दिया और भारत की शर्तानुसार जल, थल और आकाश में परमाणु परीक्षण न करते हुए 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। इस तरह से भारत को विश्व शक्ति के रूप में देश के मानचित्र पर परमाणु संपन्न राष्ट्र बना दिया। टुडे एट 15:45 आवर्स इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। दीज टेस्ट कंडक्टेड टुडे वेयर विथ ए फिशन डिवाइस, ए लो यील्ड डिवाइस एंड ए थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस। इस परमाणु परीक्षण की विश्वसनीयता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े बड़े दावे करने वाले विदेशी पश्चिमी देशों के उनके उपग्रहों, तकनीकी उपकरणों से भी इस परीक्षण का पता नहीं लग पाया, क्योंकि अमेरिका इस परीक्षण के विरोध में था। हालांकि अमेरिका ने भारत पर उस वक्त कई प्रतिबंध भी लगा दिए थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की कूटनीति के आगे उनकी एक न चली और उसके बाद सभी ने अपने प्रतिबंध वापस ले लिए। भारत पाकिस्तानों में सुधार की पहल भी अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों ही हुई। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए पाक पीएम नवाज शरीफ से बातचीत की। फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से नई दिल्ली और लाहौर के बीच एक बस सेवा की शुरुआत भी अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। इस तरह भारत पाक संबंधों को एक नई शुरुआत देने की कोशिश की गई।
लेकिन इसके बदले भारत को धोखा ही मिला, क्योंकि इसके कुछ महीनों बाद ही कारगिल युद्ध हो गया। साल 1999 के मई महीने में पाक सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने धोखे से पाकिस्तानी सेना और कश्मीरी उग्रवादियों की मदद से भारत के जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा को पार करते हुए भारत पर हमला बोल दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय चौकियों पर कब्जा करना था। लेकिन भारतीय फौज ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और अटल सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय शर्तों को ध्यान में रखते हुए बिना नियंत्रण रेखा पार करते हुए पाकिस्तानी सेना को माकूल जवाब दिया। लगभग दो महीने तक चले इस युद्ध में भारत को जीत हासिल हुई और इस युद्ध को कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। नियंत्रण रेखा को पार करके जाने का कोई इरादा नहीं है, समय सीमा बांधना मुश्किल है, लेकिन हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। घुसपैठिए और पाकिस्तान की सेना पीछे जा रही है। न्याज साहब मुझसे मिले थे, मैंने उनसे कहा कि जब तक पाकिस्तान कारगिल की भूमि को पूरी तरह से खाली करके नहीं जाता, किसी तरह की बातचीत संभव नहीं है। भारत के कोने कोने तक सड़कों से जोड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पर काम किया। इसमें नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को राजमार्गों द्वारा जोड़ा गया, जो कि अपने आप में एक अनोखी पहल थी। ये भी मशहूर है कि शेरशाह सूरी के बाद भारत में सबसे अधिक सड़कों के निर्माण का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को जाता है। 100 साल से अधिक पुराने चल रहे कावेरी जल विवाद को अटल सरकार ने ही आपसी सूझबूझ से सुलझाया था। भारत में मोबाइल क्रांति की शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई और हर हाथ में मोबाइल का उद्देश्य अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का ही था। गरीबों के लिए आवास निर्माण योजना, रोजगार जैसी अनेकों योजनाएं क्रियान्वित करना, अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि आधुनिक युग में बिना विज्ञान का सहारा लिए विकास की राह तय नहीं की जा सकती है, जिसके लिए उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को आगे बढ़ाते हुए जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में टेक्नोलॉजी की संपूर्ण विकास करना। अटल बिहारी वाजपेयी जितने कठोर अपने निर्णय लेने में थे, उतने ही वो दिल से मृदुभाषी और नर्म स्वभाव के थे। एक कवि के रूप में सभी पक्ष विपक्ष नेता उनके इस गुण के कायल थे। एक कवि के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने कई कालजयी रचनाएं की। आपको बताते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में। अमर बलिदान, संसद में 3 दशक, मृत्यु या हत्या, राजनीति की रपटीली राहें, सेकुलरवाद। अटल बिहारी वाजपेयी को इस दौरान कई पुरस्कारों और सम्मानों से भी नवाजा गया। साल 1992 में देश के लिए अभूतपूर्व सेवा के लिए उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। साल 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि से उन्हें नवाजा गया। साल 1994 में लोकमान्य तिलक अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। साल 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी को गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार सम्मान भी अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया। साल 2015 में लिबरेशन वॉर अवार्ड, बांग्लादेश मुक्ति युद्धों समनोना पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। और इसके बाद भारत के सबसे बड़े अवार्ड यानी भारत रत्न पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। जी हाँ, भारत देश में अपने अद्भुत योगदान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में उनके जन्मदिन यानी 25 दिसंबर को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न का सम्मान देने देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खुद उनके घर पर गए और ये इतिहास में पहली बार ही हुआ कि किसी राष्ट्रपति ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उनके घर पर जाकर उन्हें इस सम्मान से नवाजा। भले ही अटल बिहारी वाजपेयी आज हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनका राजनीतिक जीवन हर किसी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तहलका इंडिया न्यूज की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि।